हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये जो वीडियो है ये मैंने तब रिकॉर्ड की थी जब हम गांव में थे। मेरा आखिरी दिन था और हम खुशीनगर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको खुशीनगर एक्सप्लोर कराऊंगा। आपको पता होगा कि खुशीनगर एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है। मैं हमेशा गोरखपुर से दिल्ली ट्रैवल करता था, बस इस बार मैंने जानबूझकर ये खुशीनगर से बुकिंग की है ताकि मैं ये एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर सकूँ। हमारे गांव से कुशीनगर तक कितना टाइम लगा ये बता सकूं, और बाकी क्या क्या चीज़ें हुई बीच में, कैसा था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो डेट है 3 अप्रैल, हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 3 बजे। 1.5 घंटा लगता है दिल्ली टू कुशीनगर टू दिल्ली, तो ये 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। और मुझे प्राइस पड़ा अराउंड 4,800 रुपीज़। मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम दो लोग होंगे और मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने जाएंगे, तो वो सब आपको दिखेंगे वीडियो में। तो हाँ, बाकी कैसी रहती है जर्नी ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरा एंड टू एंड कवर करेंगे, यहाँ से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या स्टेप्स लगे, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच के आपको पूरा कंक्लूड करेंगे कैसे रही हमारी जर्नी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हेलो दोस्तों, तो यहाँ होता हमारा गाँव का सफ़र ख़त्म। सामान पैक कर लिए हैं, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। कुशीनगर एयरपोर्ट जाएंगे, कुशीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली। बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। पहली बार कुशीनगर से हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे, तो 1.5 घंटा लगता हमारे गांव से कुशीनगर एयरपोर्ट। वहाँ चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो बस अब निकल पड़े हैं हम, अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, तैयार हो रही है। मैं, मेरा बड़ा भाई, पापा, मम्मी, सामान रखते हैं, निकलते हैं। दोस्तों, ये हमारे टायर हो गए पंचर, ये बीचों बीच हुआ है अभी, पता नहीं कहाँ पर रोना से थोड़ा सा आगे, और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। और हमारे गाड़ी में जो जैक था, लाइक स्टेफनी तो है हमारे में, स्टेफनी, बट अभी जो जैक होता है वो नहीं है, किसी ने निकाल लिया है। गांव वाले में मांगने आया था कोई, उसको दिया हुआ था और वापस रखना भूल गए। अब तब पापा गए हैं रिक्शा लेके आगे चौराहा, वो सामने थोड़ा दूर है यहाँ पर, वहाँ पर कोई मैकेनिक मिलता है तो उसको बुला के लाएंगे। देखते हैं इन सब में कितना टाइम लगता है, और यहाँ मेहनत की जा रही है। देखते हैं कब तक चीज़ें ठीक होती हैं, फिलहाल कोशिश जारी है। और अभी भी हम यहाँ पे हैं, पिछले 20 मिनट से ठीक है, अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, होपफुली जब भी ठीक हो जाएगी। एंट्री, हाँ, वो
वो सब दिल्ली लिखा है बुक में। साधारण सा था वैसे एंट्री, एयरपोर्ट की एंट्री तो बहुत वैसी सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे तो ऐसे ही बैठे हैं सब, पर ठीक है। ये तो अभी अंदर आने का है ना, बोर्डिंग के लिए तो अंदर जाने देंगे नहीं। गोरखपुर से ज्यादा अच्छा बना रखा है इसका एंट्री, देखते हैं। गोरखपुर से ज्यादा अच्छा है, पार्किंग बनने वाला है ना, पार्किंग भी कर रखा है अच्छा। गोरखपुर में तो आर्मी वाला फीलिंग दे देता है, ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक बना के रख देता है, यहाँ पे प्रॉपर एयरपोर्ट जैसा बनाया है। अरे गोरखपुर, गोरखपुर वाला तो एयरफोर्स का है, वो तो अभी यही सारा आ जाएगा, वहाँ नहीं रहेगा पूरा, जो इमरजेंसी है वो वहाँ तो फोन नहीं, इमरजेंसी है सारा अभी आ जाएगा इधर ही। फोटो खींचते ही तुरंत क्या था सिग्नल आ जाता कि फोन बंद कर। ये रहा प्रवेश द्वार, यहाँ से एंट्री। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है एयरपोर्ट, और यहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे। गाड़ी बंद कर दी, एंट्री पॉइंट यहाँ से बैठे हैं बहुत लोग। तो दोस्तों मैं आपके साथ सारे स्टेप्स शेयर करता हूँ अभी कि मैंने फ़्लाइट टिकट बुकिंग के बाद क्या क्या किया। तो वो आपको सीधा यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिख रही है, यहाँ से हमने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद यहाँ साइड में आपको चेक इन काउंटर मिलेगा, यहाँ साइड में जाएंगे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ से शीशे से छुप गया, तो यहाँ साइड में आपको चेक इन काउंटर मिलेगा। चेक इन काउंटर से मैंने अपना बैगेज अंदर करवाया, और फिर वहाँ से मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद यहाँ पर मैं सामने सीधे सीधे सिक्योरिटी में, जैसे ये भैया भी आए हैं सिक्योरिटी में, इन्होंने अपना बैग वहाँ पे जमा कराएंगे, सिक्योरिटी में देंगे। सिक्योरिटी में बैग देने के बाद आप यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपका चेकिंग होगा। ये चेकिंग होने के बाद जैसे यहाँ चेक हो रहा है इनका, चेकिंग कर लिया, उसके बाद ये आपके बोर्डिंग पास पे थप्पा मारेगा। यहाँ से आप अपना सामान कलेक्ट करेंगे, सामान कलेक्ट करने के बाद ये आपका वेटिंग हॉल आ जाता है। तो यहाँ पर सब बैठे हैं वेटिंग कर रहे हैं अपने फ्लाइट का। यहाँ एक छोटा सा कैंटीन है, कैंटीन के बाद आपको ये आपके फ़्लाइट बोर्डिंग का गेट है। यहाँ अनाउंसमेंट हो जाएगी जब भी कोई फ़्लाइट आपका बोर्ड होने वाला होगा, तो यहाँ से अनाउंसमेंट हो जाएगी दिल्ली के लिए अभी फ़्लाइट है, फ़्लाइट का नंबर, और पैसेंजर बता देगा कि पहले इतने पैसेंजर आइए, तो नंबर वाइज आपको बुला लेता है। तो ऐसा कुछ दिखता है, बाकी यहाँ एकदम फ्रेश ठंडा पानी मिल रहा है, तो मैंने आते पहले ठंडा पानी पिया यहाँ से, बहुत मज़ेदार था, क्योंकि गांव में ठंडा पानी मिलना बहुत ही मुश्किल। बाकी ये वॉशरूम है, बहुत ही साफ़ सुथरा वॉशरूम था। तो ओवरऑल मुझे ये एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा लगा, गोरखपुर के एयरपोर्ट से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ इतना रश होता है और वहाँ पे बहुत ही, बट डिफेंस वाला भी एयरपोर्ट है, बट उससे ये लाख गुना ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट है। तो होपफुली मैं आगे भी इसी एयरपोर्ट से ट्रेवल करूँगा। तो हाँ, ये सारी चीज़ें थी, तो कुछ ऐसा था मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस। बाकी मैं जैसे दिल्ली पहुँचूँगा आपको फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस दूँगा। तो दोस्तों यहाँ एंट्री है टॉयलेट का, और टॉयलेट के नल्स सेंसर वाले हैं, सब एडवांस हैं, यहाँ सेंसर है और सारे चलते हैं अच्छे। मैंने देखा भी, ट्राई किया, इसको भी ट्राई किया, सही है, बहुत बेसिक कुछ ऐसा दिखता है मेरे पास। टाइम था तो सोचा आपको टॉयलेट का भी व्यू दे देता हूँ, तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का टॉयलेट, चलते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैं यहाँ लॉन्च ढूंढ रहा था अभी कि अगर यहाँ पे लॉन्च है प्राइवेट पास या फिर मास्टर कार्ड कुछ भी अगर मेरा चल जाए, बट यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्च नहीं है, तो आपको वो सुविधा यहाँ नहीं मिलेगी। बाकी एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ आप ख़रीद सकते हैं, बट यहाँ के प्राइस आसमान छू रहे हैं, बस यही है यहाँ पे। ये
फ्लाइट दिल्ली से यहाँ आते हुए अगर आपको दिखता है, एंड ये वापस खुशीनगर से दिल्ली जाएगी। छोटी फ्लाइट है, इसमें आपको ए बी सी डी बस चार लाइंस मिलेंगे। हमारी सीट है 14C आइल साइड, 14D विंडो साइड, ये हमारी सीट है। बाकी ए बी दो सीट एक साथ होती हैं, नॉर्मल फ्लाइट में तीन सीट होती हैं, इसमें 20 नंबर तक ही सीट्स होती हैं, 1 to 20। नॉर्मली शायद 33, 34 मे बी 40, मुझे याद नहीं बाकी होती, बट उससे ज़्यादा होती है। तो ये रहे टू मेंबर्स जा रहे हैं, टू मेंबर्स की सिक्योरिटी, तो फ्लाइट से लोग निकलेंगे, उसके बाद फ्लाइट की सफाई होगी, एंड उसके बाद से हमें बुलाया जाएगा ऑन बोर्ड करने के लिए। एक बार ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर आपको बताते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ दिखता है, तो ये ऑन बोर्डिंग की लाइन लग गई है, यहाँ टिकट चेक हो रहा है, ये ऑन बोर्डिंग हो रही है, ये फ्लाइट के लिए जाएंगे। तो ऐसे कुछ होता है टिकट चेक। सबको यहाँ खड़ा कर दिए गए हैं, फिलहाल यहाँ चेकिंग हो रही है टिकट की, या फिर एक एक करके सबको अंदर भेजा जाएगा। ऐसा कुछ दिखता है टावर, अभी तक सफाई कंप्लीट नहीं हुई है अंदर की, तो थोड़ा ये ढीला ढाला चल रहा है कि पहले पैसेंजर निकले उसका, तो अभी सफाई ख़त्म हो रही है और हमें पहले ही बोर्डिंग कर दी, तो थोड़ा कनेक्शन गैप है, कम्युनिकेशन के आप है, सॉरी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो मज़ा आ रहा है बाहर आके, मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। ये पीछे एयरपोर्ट था जहाँ से हम अभी आए, बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना रखा है। बस में दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं, टाइम से पहुंच गए हैं, अब यहाँ से सीधा चलते हैं। बहुत सेक्सी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं सुने कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सफ़र एंड होता है। होपफुली मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी, जितना मुझे समझ आया, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें आपको बताई। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा खुशीनगर टू दिल्ली। अब
मैं एक बार सब कंक्लूड कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ आपके लिए। मैंने स्पाइस जेट से ऑनलाइन बुकिंग की थी टिकट्स अपनी। टिकट्स मिलने के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट पे एंट्री ली, एकदम स्मूथ चेक इन हुआ, सब कुछ सारा प्रोसेस स्मूथ था, थोड़ी भी भीड़ नहीं थी, इवन विंडो सीट भी मिल गई। विंडो सीट का मैं एक आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, अगर मोस्टली करते ही होंगे लोग यूज़। तो जो विंडो सीट होती है वो मोस्टली पेड होती है। मैं स्टार्टिंग में कोई भी सीट जो फ्री होती है, ज़ीरो पे होता है, वो ले लेता हूँ और काउंटर पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे विंडो सीट दे दीजिए अगर अवेलेबल है। तो वहाँ पे अगर अवेलेबल होता तो फ्री मिलती है। और आप यकीन मानिए, मैंने जितनी फ़्लाइट्स अभी तक पकड़ी हैं हमेशा मुझे विंडो सीट मिल ही गई है। हर फ्लाइट में विंडो सीट ही मिली है मुझे। तो ये ट्रिक हमेशा काम की है मेरी। तो मैं कभी हमेशा ज़ीरो रुपीज़ वाला सीट लेता हूँ और विंडो यहाँ आके बता देता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें। तो ये था। फिर यहाँ लैंडिंग भी बहुत स्मूथ थी। लैंडिंग हो गई, बस लेके हमें यहाँ आ गई। यहाँ बैगेज कलेक्ट कर रहे हैं। बैगेज कलेक्ट करने के बाद यहाँ से सीधा घर। तो ये थी ओवरऑल डेढ़ घंटे का सफ़र, पता भी नहीं चला, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। बाकी और भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।